हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जया। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 200 रुपीस में ग्लोइंग मेकअप। फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं अच्छे मेकअप के लिए महंगे प्रोडक्ट्स का होना ही ज़रूरी है, सस्ते प्रोडक्ट्स से भी ग्लोइंग अच्छा मेकअप कर सकते हैं। तो ये मेकअप मैंने कैसे क्रिएट किया जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो यहाँ मैं सबसे पहले यूज़ करूँगी जॉनसन बेबी क्रीम। फ्रेंड्स, हम सबके घर में बच्चे होते हैं और बच्चों के लिए जॉनसन बेबी क्रीम भी घर में ज़रूर होती है, और ये 65 रुपीज़ की आ जाती है शायद से। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी लैक्मे की सीसी क्रीम, इसका रेट है 100 रुपीज़। इसकी जगह आप लैक्मे का नेचुरल फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी 100 कुछ का आता है, अच्छा फाउंडेशन है, फुल कवरेज देता है। यहाँ मैंने क्रीम को फेस से लेकर नेक तक लगाया है। नेक्स्ट मैं क्रीम को सेट करने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ। ये भी हमें 50-70 तक का बहुत अच्छा मिल जाता है, और अच्छे से क्रीम को ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर, ये हमारा आ जाता है 200 का। कंसीलर का यूज़ हम वहाँ वहाँ करेंगे जो पॉइंट हमारे उभरे हुए होते हैं, और आईज़ पर भी हम यूज़ करेंगे कंसीलर को, क्योंकि आईज़ मेकअप के लिए पहले कंसीलर लगाना बहुत ज़रूरी है। और कंसीलर को हम वहीं पर ब्लेंड करेंगे जहाँ जहाँ कंसीलर हमने लगाया हुआ है। कंसीलर को हमें पूरे फेस पर फैलाकर ब्लेंड नहीं करना है, नहीं तो हमारी क्रीम और कंसीलर आपस में मिक्स हो जाएंगे और अच्छे से आपको ब्लेंड करते रहना है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ MN का कॉम्पैक्ट पाउडर, ये पाउडर भी हमारा 100 रुपीज़ तक का आ जाता है, प्लस इसके साथ एक कंसीलर पेंसिल भी आती है। ये काफ़ी अच्छा पाउडर है, बस इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये झड़ता ज़्यादा है, तो इसको हमेशा यूज़ करने से पहले डस्ट आउट ज़रूर कर लें आप। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी CBB का जेल आईलाइनर, ये ब्राउन कलर का है और ये भी आपका 100 कुछ तक का आ जाएगा। अपनी आईब्रोज़ को मैं शेप देते हुए फिल कर रही हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप जेल लाइनर यूज़ ना करके आईब्रो पेंसिल का यूज़ करें पहले। पेंसिल से आपको अच्छे से लगाना आ जाएगा, तब उसके बाद आप जेल लाइनर का यूज़ कीजिए। इस कुली की हेल्प से मैं आईब्रो को सेट कर लूँगी, ताकि कहीं कहीं पर ज़्यादा या कम लग जाता है तो इससे अच्छे से सेट हो जाती है आईब्रोज़, कहीं से अनइवन नहीं लगती। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ADS प्रो पिंक आई शेडो, ये आपकी 90 रुपीज़ तक की आ जाती है। इसका हमें ये बेनिफिट मिलता है कि अगर हमको किसी एक कलर की ज़रूरत है और हमें उसकी वजह से पूरा आई शेडो किट ही ख़रीदना पड़ जाता है, तो हमें पूरी किट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अपनी ड्रेस के हिसाब से सिंगल कलर को ख़रीद सकते हैं। और मैं ये कलर अपनी पूरी आईलिड पर अप्लाई करूँगी, और अब मुझे प्यारा सा पिंक लाइट शेड मिल चुका है। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी हेल्प एंड हेल्प का आईलाइनर, ये हमारा 170 तक का आ जाता है, और यहाँ मैं हल्का सा विंग आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। अगर आप बिगनर हैं तो पेंसिल आईलाइनर भी आता है, पहले आप पेंसिल आईलाइनर का यूज़ करें, क्योंकि जेल आईलाइनर हम आसानी से नहीं लगा पाते। जब हम फर्स्ट टाइम आईलाइनर का यूज़ करते हैं तो बहुत बार गलत लगा लेते हैं, तो पहले आप पेंसिल आईलाइनर का ही यूज़ कीजिए, आपको इजीली आईलाइनर लगाना आ जाएगा, तब आप जेल लाइनर का यूज़ कीजिए। और अब मैं यूज़ करूँगी हेल्प एंड हेल्प का मस्कारा, ये भी आपको सेम 170 तक का मिल जाएगा,
अच्छे से मस्कारा लगा लूँगी मैं। आप चाहें तो यहाँ फॉल्सेस भी यूज़ कर सकते हैं, फॉल्सेस भी हमारी 30, 50, 80 रुपीज़ तक की अच्छी मिल जाती हैं। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी टिनटिन का वाइट काजल, ये हमारा आ जाता है 130 का। बहुत अच्छा काजल है ये, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक टिका रहता है आँखों में। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक कलर कोड की, इसको मैंने ब्लश के लिए यूज़ किया है। हल्का सा कलर लेकर मैं अपने चिक पर लगाऊंगी हल्के हल्के हैंड से। नेक्स्ट मैं हाइलाइटर के लिए यूज़ करूंगी कलर्स क्यून ग्लिटरिंग शिमर, ये देखिए कुछ इस तरह का है, और ये हमारा आ जाता है 150 तक का। इसको मैं अपने फिंगर की हेल्प से अपने चिक पर अप्लाई करूंगी, हल्का हल्का सा यूज़ करना है ये मुझे, हल्का सा नोज़ पर और जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइटर की ज़रूरत है। मुझे ब्रश से लगाना ज़्यादा पसंद है तो मैं ब्रश की हेल्प ले लूँगी। ये ग्लिटर जो मैंने यूज़ किया है ये हमारे आईज़ के लिए है, लेकिन यहाँ मैंने इसको अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया है। नेक्स्ट मैं वही लिपस्टिक अपने लिप के लिए यूज़ करूँगी और ब्रश की हेल्प से लगाऊँगी। ब्रश का यूज़ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे लाइट शेड चाहिए, मुझे अपने लिप्स को नेचुरल दिखाना है, ज़्यादा डार्क शेड मुझे यहाँ नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं मेरा कितना प्यारा मेकअप हुआ है। ज़रूरी नहीं फ्रेंड्स के अच्छे मेकअप के लिए हमें महंगे प्रोडक्ट्स का ही यूज़ करना है, हम सस्ते प्रोडक्ट्स से भी अच्छा मेकअप कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा अपने बालों का भी ध्यान रख लेते हैं। यहाँ मैंने यूज़ किया है लिवॉन हेयर सीरम, ये आपका 60 रुपीज़ का आ जाएगा। हमारा मेकअप इतना अच्छा हो गया है तो क्यों ना अपने बालों को भी सिल्की बनाया जाए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये मेकअप? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके एक बार मुझे ज़रूर बताएं। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए बाय बाय।